शुक्रिया मैडम. मातहत मेरा ख्याल है मेरे रोते ही होंगे अगर आप उनसे पूछेंगे, वो नहीं हंसते शायद. अभी जब मैं यहाँ आ रहा था लाहौर कॉलेज में, तो इतनी शानदार इमारत थी लाहौर कॉलेज की, तो मैंने नुफेज को कहा कि असूलन तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय लाहौर कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए था. उन्होंने कहा नहीं, आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये लड़कियों का कॉलेज है. मैंने कहा इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ दाखिला लेता हूँ. हर ख्वाहिश तो इंसान की पूरी नहीं हो सकती, लेकिन चले आज ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई कि मैं लाहौर कॉलेज को मैंने अंदर से देख लिया. और कुछ दिनों बाद हमारा ऐसा ही फंक्शन कनेक्ट कॉलेज में भी है. तो लेकिन आज आप लोगों ने ये साबित करना है कि आपका जौक जो है लाहौर कॉलेज की लड़कियों का, वो कनेक्ट कॉलेज की लड़कियों से बेहतर है. ठीक है, और आई होप कि ऐसा ही होगा. मैडम अभी बात कर रही थी कि जी हमारे मिजाज जो है ना, वो बड़े चिड़चिड़े हैं, सड़े हुए लोग रहते हैं. हम हंस के एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते, हेलो हाय नहीं करते. बाहर जाएं तो लोग स्माइल पास करते हैं एक दूसरे को. तो हमारे ऐसे एक बुजुर्ग काफी अच्छा बाहर रहने के बाद जब वो पाकिस्तान आए ना, तो उनको भी आदत थी हर किसी को देख के स्माइल पास करने की. तो ऐसे ही वो एक जगह उन्होंने गाड़ी रोकी इशारे पे, तो मोटरसाइकिल पे कुछ नौजवान आके यहाँ पे रुकी मोटरसाइकिल, तो उन्होंने नौजवानों की तरफ देखा और उसकी आदत स्माइल पास की उन्होंने. तो नौजवानों ने ना बड़ा सीरियस होके उनको देखा कि ये क्यों हमें पापा स्माइल पास कर रहे हैं. तो फिर थोड़ी देर बाद वो जब गाड़ी इशारे पे चल पड़ी आगे, अगले इशारे पे रुकी, तो नौजवान पीछे आ गए उनके. तो बाबा जी ने फिर स्माइल पास की उनको, थोड़ी देर उन्होंने देखा और फिर कहते हैं पागल ही हो रहे. मैडम हमारे यहाँ तो कोई कौम का स्माइल पास करे तो वो उसका यही नतीजा निकलता है. भट्ट साहब के हवाले से नफेज ने भी गुफ्तगू की है, इनके चूंकि भट्ट लोग जो हैं कश्मीरी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं. तो ऐसे ही किसी भट्ट साहब से पूछा कि भट्ट साहब वो आपके ग्वाल मंडी में दो मकान हुआ करते थे, वो किधर गए? उन्होंने कुछ नहीं, वो बेच के सिरी पाए खा गए.